उडुपी जाएंगे, देन ऑल द वे अप टू गोवा। तो हमारा कोई डेफिनेट प्लान नहीं है, हम कितने दिन कहाँ रुकने वाले हैं ये भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। ऑल वी वांट इज ब्यूटीफुल व्यूज एंड अ नाइस प्लेस टू वर्क फ्रॉम सो दैट वी कैन अनवाइंड। और मुझे लगता है कि उडुपी नेचुरली काफ़ी रिच है, काफ़ी ब्यूटीफुल है और वेदर भी अभी काफ़ी अच्छा है, तो हमें मज़ा आना चाहिए। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग शिरडी घाट होते हुए उडुपी जाएंगे और हम लोग सबसे पहले उडुपी में स्टे करने वाले हैं। एक होम स्टे हमने बुक किया है जो राइट ऑन द बीच है, केवल वहाँ पे होम स्टे ही है और कुछ भी नहीं है, और वो एक प्रॉपर बीच भी नहीं है। वहाँ से एक बढ़िया सा सी व्यू मिलता है, जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है। हम लोग सुबह आज जल्दी लगभग 5:15 पे अपने घर से निकल गए थे और इसी वजह से हम काफ़ी अच्छा रास्ता कवर कर पाए बिना ट्रैफिक के। हम लोगों ने ध्रुव तारे में रुक के ब्रेकफास्ट भी किया जो कि अच्छा था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था ब्रेकफास्ट का। और ऐसा देख के तो लग रहा था उन लोगों ने हाइजीन भी मेंटेन किया है। दिस वाज अ सेफ एंड हाइजीनिक ऑप्शन, द सेफेस्ट वन वी कुड फाइंड ऑन द हाईवे एंड वी एंजॉयड द टी एंड सम वड़ा सांभर। और अब हम लोग निकल गए हैं वापस और हमारा प्लान है कि शाम को 4 बजे से पहले हम उडुपी पहुँच जाएँ ताकि हमें अंधेरे के बाद ड्राइव न करना पड़े और थोड़ी देर हम शाम को बीच भी एंजॉय कर सकें अपने स्टे से। इस ट्रिप पे मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ। ये मेरे भाई के, मैंने अपने भाई के साथ अकेले ज़्यादा ट्रिप्स नहीं करी हैं और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इस ट्रिप में हम दोनों को बहुत मज़ा आएगा। ही सौरभ माई यंगर ब्रदर, और होपफुली हम दोनों काफ़ी एंजॉय करेंगे ट्रिप पे और काफ़ी अच्छा टाइम बिताएंगे साथ में। और मैंने पहले इतना लंबा ड्राइव भी नहीं किया है तो एक तरह से मेरी ड्राइविंग का भी टेस्ट है। आई एम श्योर हम ड्राइव भी इंजॉय करेंगे क्योंकि रास्ता भी खूबसूरत है बहुत। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और सब कुछ काफ़ी मिनिमल है। यहाँ पर बेसिक एसेंशियल सारे मिल जाएंगे, एस्थेटिक्स भी काफ़ी प्लेजेंट है और यहाँ पे चारों तरफ ट्रीज़ हैं कोकोनट के जो कि बहुत खूबसूरत बना देते हैं इस जगह को। और भी बहुत ही नेचुरल सेटिंग है। यहाँ पे लोकल्स भी कुछ काम करते हुए दिख जाते हैं। और मॉर्निंग और इवनिंग्स में तो यहाँ बैठने के लिए बहुत ही आइडियल स्पॉट है। तब आप आकर यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं बाहर कॉटेज के और व्यू एंजॉय करते हुए, कुछ काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल सी सेटिंग है, यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। सैंड ही है नीचे, आपको ऐसा लगता है आप बीच पे ही बैठे हैं, जो कि आप बैठे भी हैं। सी बीच पे आने के बाद में भी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम दिन में बाहर निकलकर समुद्र को एंजॉय नहीं कर सकते हैं और हमें काम भी करना है क्योंकि हमारे ऑफिसेस भी होते हैं। तो इस समय पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लग रहा था, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मैं ना केवल सी को दिन भर एंजॉय कर सकूँ बल्कि मुझे उस गर्मी का एहसास भी ना हो। तो मैंने एक ऐसा कॉटेज ढूँढा जहाँ से मुझे सी व्यू बहुत अच्छा मिल सके दिन भर, जो एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट सा ना हो, जो कि काफ़ी ओपन सा हो और जहाँ से मैं सी ब्रीज़ को भी अच्छे से फ़ील कर सकूँ, अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकूँ और मैं काफ़ी रिफ़्रेशिंग और रिजुवनेटिंग फ़ील करूँ। तो मुझे ये कॉटेज जब मैंने चूज़ किया था तब मुझे पता नहीं था कि ये इतना अमेजिंग होगा, पर चूज़ करने का ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर था। लेकिन फाइनली मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये एक बीच है, हुडे बीच, और मुझे वहाँ पर रॉक की सेक्शन देख के लग रहा था कि शायद यहाँ पर बीच का स्ट्रेच नहीं है और मैं सिर्फ सी व्यू एंजॉय कर पाऊँगा। और यहाँ की सैंड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही, अभी ये जो नीचे समुद्र का स्ट्रेच है काफ़ी क्लीन लग रहा है और पूरी तरह से अनक्राउडेड है। सो आई एम लविंग इट, आई एम रियली लविंग इट, दिस इज़ अमेजिंग। समुद्र देख के तो मेरा दिल वैसे ही खुश हो जाता है और काफ़ी दिनों बाद देखने के लिए मिला है, लगभग साल भर हो चुके हैं उसके बाद मुझे सी देखने के लिए मिला है एंड आई एम गोइंग क्रेजी अबाउट इट डूड। wow, amazing. ये समुद्री हवा लगभग साल भर के बाद मिली है. So Saurabh seems to be enjoying the beach finally. और यहाँ पर मुझे अभी कुछ बच्चे दिखे हैं जो जॉगिंग कर रहे हैं. शायद उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कुछ राउंड्स लगाने के लिए कहा है. तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी बीच पर. और मुझे लगता है कि अभी सनसेट होने में 1 घंटा और बाकी है. जब सनसेट होने लगेगा तब तो व्यू और भी स्पेक्टेक्युलर होगा. काफ़ी अच्छा स्टाइल दे दिया है मुझे विंड ने. आई एम लाइकिंग दैट एज वेल. तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकले और सोचा कि आसपास का एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं वॉक करके. काफ़ी अच्छा है. दोनों तरफ पूरा रोड ग्रीनरी से कवर्ड है, मोस्टली कोकोनट ट्रीज से. हम लोगों का स्टे क्लोज टू हुडे बीच है और बेसिकली उस एरिया का नाम है गुजर बेट्टू, जहाँ पे ये कॉटेज है. और आप देखेंगे कि यहाँ पे मोस्टली लोकल्स ही हैं. आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छोटे छोटे से कॉटेजेस बने हुए हैं और आपको टूरिस्ट ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे. टूरिस्ट की जोन का एक अपना कंफर्ट होता है. आप जानते हैं कि सभी लोग वहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, तो उसी तरह से खाना पीना और घूमने फिरने का माहौल होता है वहाँ पर. यहाँ पर आपको उस तरह का माहौल नहीं मिलेगा. अगर आप एक नेचुरल रॉ सेटिंग ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल टूरिस्टी इन्वायरमेंट नहीं चाहिए और सिर्फ आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये एक आइडियल प्लेस है. बट आई थिंक वी डिड समथिंग स्टूपिड एंड वी बुक्ड इट ओनली फॉर अ डे, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि कितना मज़ा आएगा, कैसी आइसोलेटेड लोकेशन है और पता नहीं क्वालिटी कैसी है स्टे की. लेकिन यहाँ आने के बाद हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा. जैसे ही हमने वो सी फेसिंग गेट खोला कॉटेज का और जो हवा आई है, दिल बिल्कुल प्रसन्न हो गया, दिल बिल्कुल गदगद हो गया. और उसके बाद हमने इमीडिएटली डिसाइड कर लिया कि वी वांटेड टू एक्सटेंड आवर स्टे एंड वी रोड टू आवर एयरबीएनबी होस्ट आल्सो. बट अनफॉर्चुनेटली द स्टे वाज बुक्ड फॉर नेक्स्ट 3 days. तो हमारे लिए आज थोड़ा सा स्ट्रगल होगा कि हमें ढूंढना पड़ेगा कोई दूसरा स्टे. ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई स्टे मिल जाना चाहिए. आई एम श्योर कुछ तो मिल जाएगा, इतना बेहतरीन ना हो लेकिन फिर भी. यहाँ पे कुछ काम चल रहा है. पानी शायद ऊपर तक आ जाता है जब टाइड हाई होती है, तो इसलिए यहाँ पे रॉक्स वगैरह ले की जा रही हैं. बाकी अगर आप उस तरफ चले जाएं तो काफ़ी सॉफ्ट सैंड है, क्लीन भी है. अगर आप घर से रिमोटली काम करते करते बोर हो चुके हैं, अगर आप अपनी मोनोटोनस लाइफ से थोड़े दिनों के लिए दूर जाना चाहते हैं, और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा प्लेस जहाँ से न केवल आप सी व्यूज़ एंजॉय कर सकें पर उस विंड को भी महसूस कर सकें चेहरे पे, वो खुशबू भी समुद्र की आप फील कर सकें, तो डेफ़िनेटली ऐसा कोई स्टे चूज़ कीजिए और वहाँ जाके रहिए. अगर 2 ही दिनों में आपको रिजुविनेटिंग फील ना हो तो कह देना कि मेरा नाम गौरव नहीं.